और चलिए आगे बढ़ते हैं तो रायपुर से भी सभी बीजेपी सांसद दिल्ली जाएंगे। 10 नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली बुलाया गया है और कल होने वाली एनडीए की बैठक में ये सभी सांसद शामिल होंगे। एमपी से भी सभी नवनिर्वाचित सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहीं छत्तीसगढ़ से भी तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को दिल्ली बुला लिया गया है। कल एनडीए की बैठक होगी और उसमें ये सभी नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे। तो बिल्कुल 10 जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। कल एनडीए की बैठक है तो सभी राज्यों से जो 240 के लगभग भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सभी को दिल्ली बुलाया गया है। उसमें मध्य प्रदेश के 29 सांसद भी हैं और रायपुर से 10 सांसद हैं। हालांकि एक सीट यहां पर भारतीय जनता पार्टी लूज कर गई, कोरबा सीट, लेकिन 10 की 10 जो सीटें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा जमाया है और यही वजह है कि 10 के 10 सांसद दिल्ली पहुंचेंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली जाएंगे, कल होने वाली बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में कल बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी टीम यानी कि 10 के 10 सांसदों के साथ पहुंचेंगे दिल्ली और साथ साथ मध्य प्रदेश से भी मुख्यमंत्री मोहन यादव सभी 29 सांसदों के साथ पहुंचेंगे। तो हालांकि जो एक नया इतिहास है वो दोहराया गया है छत्तीसगढ़ में। 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीती थी, 2014 में भी 10 जीती, हालांकि 2019 में जरूर 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन एक बार फिर से एक सीट छीन ली है कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, सीएम विष्णुदेव साय अपनी टीम यानी कि 10 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, इतिहास तो रच दिया है, अब आगे की रणनीति तय करके वापस लौटेंगे। देखिए रायपुर से दिल्ली की जो आखिरी रेगुलर फ्लाइट है आज की करीब रात 9:30 बजे के आसपास की, 9:20 की रात को, उस फ्लाइट से तमाम सांसद जो 10 सांसद नव निर्वाचित हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कुछ अन्य संगठन के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं, ये दिल्ली जाएंगे। आज रात को दिल्ली पहुंच जाएंगे, कल केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात होगी और इसके साथ साथ जो बैठक प्रस्तावित है उस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस जीत को बड़ी जीत इसलिए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मान रही है क्योंकि 2023 में सत्ता में काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी फिर से और उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने, इसके अलावा मंत्रिमंडल में भी देखे तो ज़्यादातर चेहरे नए नज़र आए और एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में संगठन और सरकार दोनों के सामने थी कि समन्वय के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए कि सभी की सभी सीटें जीती जाए जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। हालांकि 11 में से एक सीट चूकी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 10 सीटों पे काबिज भाजपा हुई है और वो 10 सांसद आज रायपुर आएंगे। शाम करीब 4 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक मीटिंग रखी गई है और उसके बाद आज रात को ही वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिएगा हमारे साथ।